Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जगाचार्य अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिव गोपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निजानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की हरे कृष्ण महामंत्र की वृंदावन मथुरा धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पंडरपुर उड़पी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की हरे कृष्ण महामंत्र की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर कृष्ण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और फिर आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है आप सभी ने देखा होगा, अद्वैत आचार्य की महिमा, उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः तो ये अद्वैत आचार्य की जो महिमा है वो चैतन्य चरितामृत का आदि लीला में पहला और छठवां अध्याय यहाँ पर विस्तारित रूप से वर्णन की गई। इसमें से प्राइमरी जो है पहले अध्याय का श्लोक नंबर 12 और 13 वो हम आज का विषय के उपलक्ष्य में थोड़ा उसका उच्चारण करेंगे। एक एक शब्द बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया या सृजत्यतः तस्य अवतार देवायं अद्वैताचार्यः ईश्वरः। महाविष्णुर्जगत्कर्ता माययाय सृजत्यदा तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अभी अनुवाद पढ़ेंगे। महाविष्णु, अभी मराठी में पहले जस्ट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द ग्रंथा हम मराठी में पढ़ेंगे, बाद में हिंदी का अनुवाद करते हैं। महाविष्णु महाविष्णु कार्य क्षमते चे अधिष्ठान जगत्कर्ता जगत्कर्ता मायया माया शक्ति ने यह
जो सृजती सृष्टीची रचना करतो, अतः ते ब्रह्मांड, तस्य त्याचा अवतारः अवतार एव निश्चित अयम हे अद्वैत आचार्य ईश्वरः भगवंत भौतिक कारणाचे अधिष्ठान। अनुवाद व तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील रूपपाठ के द्वारा। जय शील रूपपाठ। भगवान अद्वैत आचार्य हे महाविष्णूंचे अवतार आहेत। मायेला कार्यान्वित करून भौतिक प्रपंचाची रचना करणे हे महाविष्णूंचे प्रमुख कार्य होय। इसका अर्थ होता है भगवान अद्वैत आचार्य जो है वह महाविष्णु के अवतार है। वो माया को कार्यान्वित करके जो भौतिक जगत है उसकी रचना करते हैं और महाविष्णु जी का ये प्रमुख कार्य है। तो तीसरा 13वां श्लोक भी वो भी इक्वली महत्वपूर्ण है, तो उसका भी हम उच्चारण करेंगे। अद्वैतम हरिनः अद्वैताचार्य भक्ति संसनाथ भक्तावतारम ईशम अद्वैत आचार्यम आश्रये अद्वैतम हरिनाद्वैता आचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रये अद्वैतम अद्वैत म्हणून ओळखले जातात। हरिना हरीशी अद्वैतात अभिन्न असल्याने आचार्यम आचार्य म्हणून ओळखले जातात। भक्ती शंसनात भक्ती संप्रदायाचा प्रचार करणारे म्हणून भक्त अवतारम भक्त रूपाने अवतार ईशम भगवंताना तम त्या अद्वैत आचार्यम अद्वैत आचार्याना आश्रये आश्रय घेतो। भगवान हरींशी अभिन्न असल्यामुळे त्यांना अद्वैत संबोधले जाते आणि भक्ती संप्रदायाचा प्रचार करणारे म्हणून त्यांना आचार्य म्हटले जाते। ते भगवान आहेत आणि भगवंतांच्या भक्ताचे अवतार आहेत म्हणून मी त्यांच्या चरणी आश्रय घेतो। इसका अर्थ होता है जो अद्वैत आचार्य जो है वो भगवान हरि से अलग नहीं है, अभिन्न है। अभिन्न भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब अलग नहीं है, वही है। और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने वाला, इसीलिए उनको आचार्य कहते हैं। जैसे जो भी टीचर है उनको आचार्य कहते हैं। आप सभी इनको जानते हैं, द्रोणाचार्य नाम का एक सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है जो उत्कृष्ट टीचर के लिए दिया जाता है। तो उसमें से आचार्य मतलब टीचर, द्रोणाचार्य उनका खुद का नाम था वो, ठीक है, बट आचार्य मतलब टीचर शिक्षक वो। और इनका शिक्षा का विषय क्या है? भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना। भक्ति संप्रदाय का प्रचार करणारे म्हणून त्यांना आचार्य म्हटले जाते। वह भगवान है और भगवान के भक्त के रूप का अवतार है, इसलिए मैं उनकी चरण में आश्रय लेता हूं। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीपादकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणादरिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। पुनः आप सभी का स्वागत है। वैसे अभी मेरी कोई योग्यता नहीं आपके सामने बैठ के कुछ कहने का, लेकिन गुरु और वैष्णव की सेवा में एक छोटा सा प्रयास करने का कोशिश करता हूँ। और अद्वैत आचार्य जो है वो बहुत ही महान है, जैसे कि श्लोक से आपको समझा होगा, वो भगवान के अभिन्न अवतार है और भक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। तो आज हम उनके थोड़ा गुणगान करेंगे। आज का ये विषय लेने का कारण ये है कि कल उनका आविर्भाव दिवस था, जो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सातवीं तिथि होती है, माघ शुक्ल सप्तमी, इसको अद्वैत सप्तमी भी कहते हैं। तो इसके उपलक्ष्य पर हमें उनका याद करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, और वो साक्षात भक्त के रूप है, तो किसी महान भक्त का अगर हमें आशीर्वाद मिला तो हम उसका हमारे भक्ति की प्रगति में कुछ हद तक उसका लाभ हो सकता है। इसका अगला श्लोक वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हम काफ़ी सुना होगा आप सभी ने, 14वां श्लोक है। पंचतत्वाकमं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। ये 14वां श्लोक है। इसमें कहा गया पंचतत्वाकम, मतलब पंचतत्व जो कहा गया है भगवान कृष्ण का, कलियुग का जो अवतार है वो पंचतत्व का जो पूरा रूप है वही अवतार है पंचतत्व। और पंचतत्व मतलब पृथ्वी आप तेजवाय अकशोनी, इस कॉन्टेक्स्ट में जो पांच प्रमुख ये संप्रदाय के हैं, कृष्ण के जो अवतार ही है उनको मिलके पंचतत्व कहते हैं। अगर आप कोई भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर एक पीछे एक फोटो है, जो गुरु शिष्य परंपरा के पीछे जो है वह है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, ये पांच इनको पंचतत्व कहा है, उनमें से अद्वैत आचार्य एक है। तो ये पंचतत्वाकम कृष्णम, अर्थात ये पंचतत्व जो है वह कृष्ण ही, साक्षात कृष्ण है। और उनके रूप का आगे वर्णन है, भक्त रूप स्वरूपम स्वरूपम स्वरूपकम भक्त रूप स्वरूपकम। तो इसमें से जो पहला शब्द है भक्त रूप, भक्त रूप जो है कौन है, साक्षात चैतन्य महाप्रभु। आगे आता है स्वरूपकम, भक्त रूप है आगे स्वरूप है, जिसको स्वरूप और रूप में थोड़ा अंतर है। स्वरूप जो है वो नित्यानंद महाप्रभु है, ध्यान से सुनेगा, रूप जो है वो चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप जो है वो नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार, और भक्त का जो अवतार है वो अद्वैत आचार्य। भक्ताख्यम वो है गदाधर पंडित, और
भक्त शक्ति कम, जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं वो है श्रीवास पंडित। तो ऐसा ये पांचों का वर्णन है। और अभी आप सभी तो जाप करते होंगे, आप सभी को पता है जब हम जाप शुरू करते हैं तो पंचतत्व का जो मंत्र है वो बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ताकि उनका हमें आशीर्वाद हो। और उसका मूल हेतु ये होता है कि जब करते वक्त हम अपराध नहीं करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपराध होते हैं, तो अपराध से हमें बचने के लिए वो मंत्र का प्रयोजन। जैसे हम कोई ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो क्या करना पड़ता है, हमें इंश्योरेंस करना पड़ता है। यात्रा का तो मैंने बहुत ही छोटा कर दिया, लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है, तो ये थोड़ा सा इंश्योरेंस करते हैं ताकि कुछ हद तक वो कवर हो सके। आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस में भी कोई पूरा कवर होता नहीं, कुछ हद तक होता है। ये अपराध से थोड़ा हमें एक भगवान संभाल लेते हैं, उसलिए हम उसका उच्चारण करते हैं। और एक वर्ष से उसका उच्चारण करेंगे, वो साथ में कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत गदाधर जय भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अब सभी हम सभी भक्ति के मार्ग में हैं, भक्ति के मार्ग में स्थित होना इतना कभी लगता है बहुत संभव आसान है, पर उतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि कलयुग में आप सभी देखते हैं संस्कृति का पतन होता है, अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है दिन ब दिन हम देखते हैं। मतलब जो पुराने जमाने में जो होता है था उसकी तुलना में अभी बहुत ही डिटेरियोरेशन हो रहा है। जैसे उदाहरण, पहले क्या, पहले जब शादी होती तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उनके माता पिता तय करते थे उनके लिए क्या है, कौन योग्य है कौन नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो खुद निर्णय कर पाए उनके लिए क्या योग्य है क्या नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे लव मैरिज का प्रथा चालू, अभी बहुत ही नया ट्रेंड लास्ट कुछ सालों में देख रहे हैं प्री वेडिंग भी हो रहा है। तो ये बहुत ही दिन ब दिन, कहने का तात्पर्य कि पतन हो रहा है। और उसकी वजह से जो हमें साधना में पवित्रता लगती है, शुद्धता लगती है, उस पर फोकस करना मुश्किल होता है। भगवद्गीता में भी भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वधर्म परित्यज्यं माम एकम शरणम व्रजहा। मतलब आपके जो भी धर्म है, धर्म का अर्थ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वो नहीं, हमारा जो कर्म जिस धर्म के लिए करते हैं, जो कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस करना उसका धर्म है, नौकरी उसका धर्म है, फिर उसका आउटकम का वो उपेक्षा अपेक्षा करता है, एक्सपेक्टेशन करता है, वो सारे छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, मैं आपके सारे पाप ले लूंगा। लेकिन आज के दौर में धर्म का ही इतना आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ऐसे समय में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ ताकि आपको कुछ हद तक सहूलियत मिले। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण का प्रयोजन है वो कुछ और है, मतलब किसी और की वजह से हुआ, वो महत्वपूर्ण है। और वो है अद्वैत आचार्य, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का आप सभी जानते होंगे, उनको क्या कहा जाता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। मतलब
महावदन न्याय मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो दान करने में सर्वश्रेष्ठ है, खुले दिल से बोलते ना देते हैं। भगवान कृष्ण का प्रेम जो है खुले दिल से देते हैं, और उसके बाद हमारी कोई योग्यता देखते नहीं, हम कौन से जाति के हैं, कौन से पंथ के हैं, देखते नहीं है। इनिशियली उन्होंने तो दिया ही था, इवन गौड़ीय वैष्णव में भी आगे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आते गए, लेकिन तभी जैसे प्रभुपाद जी ने दीक्षा देना चालू किया वेस्टर्नर्स को, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो एक स्टेप और आगे चले, बाहर के लोगों को भी हम ब्राह्मण दीक्षा भी दे दें। आज वो भक्तिवेदांत मैनर में एक ब्राह्मण पुजारी है, वहाँ सारे हिंदू लोग शादी करने के लिए जाते हैं, लेकिन शादी के पूरे मंत्र वो पढ़ते हैं, वो ब्रिटिश है। तो ये बहुत तरक्की का हो या जो भी कहो, इतना ओपन है कि आप कुछ सोच नहीं सकते, जबकि कभी उनके मुख से आप सुनेंगे कोई भी ऐसे विदेशी प्रवचन, कभी कभी उनके इसमें उल्लेख आता है कि हम सारे शूद्र हैं। भारत में कम से कम आपको कुछ जाति मिल जाती है जब आपको पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए वो तो 100% शूद्र है। वैसे भी भगवद्गीता के अनुसार जाति जो है वो आपके जन्म से नहीं है, कर्म के अनुसार। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स अगर देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें भक्ति का जो बीज है वो प्राप्त हुआ है, और उसका जो कारण है वो चैतन्य महाप्रभु की जो महावदन्याय कृपा है, जो हमारे ऊपर अनगिनत रूप से बरसाते रहते हैं। अभी हम थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं। तो ये जो भक्ति का बीज जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। भक्ति वृक्ष अगर हम कंपेयर करेंगे चैतन्य महाप्रभु और उनकी दो शाखाएं, वो है प्रमुख शाखाएं नित्यानंद महाप्रभु और अद्वैत आचार्य। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु को हम क्या बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के अवतार हैं। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी अवतार, ये भी अवतार, ये भी अवतार, लेकिन ग्रॉसली आप यह समझेंगे कि भगवान अपना जो कार्य है वो सफल करने के लिए खुद का एक्सपांशन करते हैं विविध रूपों में, तो वो क्यों नहीं कर सकते, वो हम उनके जो भी है एक्सपांशन, इसलिए हम उनको भी भगवान के अवतार मानना चाहिए। और जैसा श्लोक में हमने पढ़ा, अद्वैत आचार्य जो है वो किनके अवतार है, महाविष्णु के अवतार है। महाविष्णु का प्रमुख कार्य क्या है, सृष्टि का सृजन करना, निर्माण करना, जो भी सृष्टि उनका वो निर्माण करते हैं। और कैसे निर्माण करते हैं, भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसी है उसका इस्तेमाल करते करते हैं। तो अभी हम इसको दो भाग में चर्चा का वर्णन करने का प्रयास करेंगे, एक होता है हमें तत्व जानना और दूसरा होता है लीला जानना। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान का तत्व है, उनकी जो लीला है वो अलग है, वो रासलीला है, तो रासलीला तो एक लीला है, लेकिन होता क्या है, अगर हम सिर्फ लीला जानेंगे तो क्या होता है, बहुत सारे संदेह उत्पन्न होते हैं, भगवान है रासलीला कैसे करते हैं, इतनी सारी गोपियों के साथ नृत्य कैसे करते हैं, तो ये, और फिर बहुत लोग तो इस हद तक जाते हैं कि उन्होंने क्या तो हम भी कर सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम तत्व को जानते नहीं है, सिर्फ लीला जो है सेकंड पार्ट है वही देखते हैं, उसका जो पहला भाग है जो है तत्व को जानना, वहाँ पर हमारा फोकस नहीं होता, वो हम ठीक से समझते नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, फिलोसॉफी समझने में प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ करना है पूरी तरीके से करना चाहिए, ये व्यक्तिगत जीवन में भी ये लागू होता है, हमें पूरी तरह से उसको समझना है। तो अद्वैत आचार्य का जो तत्व है वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वो महाविष्णु के अवतार है, जिनका काम है सृष्टि का सृजन करना।
और सृजन कैसे होता है, भगवान के जो पटन से जिसको बोलते हैं माया शक्ति। अब ये माया का जो है उसका भी दो भाग होता है, बीच के दर हो गए सॉरी, तो यहां पर जो मैं बता रहा था पहले कि पहला अध्याय और दूसरा कौन सा है, छठवां अध्याय। छठवें अध्याय में काफी विस्तार पूर्वक दिया गया है, तो छठवें अध्याय का ये जो श्लोक है श्लोक क्रमांक 14 और 15, यहां पर हम वो तत्व के बारे में जान सकते हैं। अभी वो भी मैं मराठी में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में पढ़ता हूँ, क्योंकि जैसे पहले कहा जो भी ग्रंथ है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी ट्रांसलेशन है हमेशा एज इट इज उसको पढ़ना चाहिए जिस भाषा में। ज्या प्रमाणे बहिरंगा शक्तीचे निमित्त कारण आणि उपादान कारण असे दोन अंश आहेत, माया ही निमित्त कारण आणि प्रधान उपादान कारण आहे, त्याप्रमाणे निमित्त आणि उपादान कारणासह भौतिक जग उत्पन्न करण्यासाठी भगवान विष्णु दोन रूपे घेतात। बहिरंगा शक्ति जैसे हम बोलते एक्सटर्नल पोटेंसी, उसके भी दो कारण होते हैं, एक होते हैं निमित्त कारण। निमित्त मतलब किस पर्पज क्या है, वो किस चीज के लिए हमें चाहिए, और दूसरा होता है उपादान, वो कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीकर है, इसका निमित्त क्या है, प्रवचन देना। हम प्रवचन बोलते हैं बट बेसिकली बेसिक पर्पज होता है कि जो भी आवाज की जो मात्रा छोटी है उसको बड़ा करना, ये हो गया निमित्त। दूसरा है इसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है, मटेरियल लगता है, ये भी एक्सटर्नल है ये भी एक्सटर्नल। तो नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कोशिश करेंगे समझने का तो इसमें दो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा दूसरा गुड्स बनेगा, तीसरा क्या होता है डिजाइन एस्पेक्ट होता है वो किस लिए यूज होता है। ये दो तीन चीजें का जब एकत्रित होती है तभी ये फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो उसी प्रकार जब सृष्टि का निर्माण होता है तो अलग अलग एक्सटर्नल पोटेंसी का यूज होता है, प्राइमरीली इसमें दो बताएगा यहाँ पे निमित्त और उपादान, मतलब वो पर्पज क्या है और उसके पीछे जो भी एडिशनल चीजें लगती है वो क्या है। और ये दो इसके भी दो अलग अलग व्यक्तिमत्व होते, इसलिए कहा गया है भगवान विष्णु दोन रूपे घेतात, और ये दो एक्टिविटीज के लिए भगवान विष्णु अलग अलग रूप धारण करते हैं। उसमें एक होते हैं महाविष्णु, ये विष्णु प्राइमरी, और दूसरे महाविष्णु जो यहां पर अद्वैत आचार्य का रोल निभाते हैं। सृष्टिचा मूल कारणाचा शोध घेण्याचे दोन प्रकार, एक इसको खोज कैसे कर सकते हैं हम, दो है, एक तो है सच्चित आनंद भगवान विश्व सृष्टि के अप्रत्यक्ष कारण है और दिव्य जगाचे दूसरा प्रत्यक्ष है। अभी देखो कॉज में भी फिर दो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो ये हम ज्यादा डीप में जाने का इतना आवश्यकता नहीं, समझने के लिए यहां तक भी ठीक है, ये काफी लंबा छोड़ा पर्पट है, लेकिन तत्व जानने के लिए हमें ये आवश्यक है तो ही हम लीला को समझ सकते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अभी अगला श्लोक में क्या बताते हैं, भौतिक जगाचे निमित्त कारण भगवान विष्णु आए आणि ते अद्वैत आचार्यांचा रूपादान उपादान कारण नारायण आए, और इनका जो स्वरूप है वो कौन है, नारायण। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश से भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टि प्रदान करते हैं और वही है अद्वैत आचार्य जो कारण रूप से भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। अद्वैत अद्वैतांच्या रूपाने ते भौतिक तत्वामध्ये सृजन शक्तीचा संचार करवतात। अभी ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये भौतिक शक्ति जो है वो हमके आंखों से दिखती है लेकिन जब तक उसके अंदर
जान नहीं है तो वो काम नहीं करते। जैसा हमारा शरीर है, शरीर के अंदर अगर जान नहीं है तो क्या हो जाता है, वो इट इज लाइक अ डेड बॉडी, कोई मतलब उसका फायदा नहीं। सो प्राइमरी फोर्स क्या है, उसके अंदर जान डालना। ये काफी साफ रूप से कहा गया है, अद्वैत पंचा रूपाने ते काय करतात, भौतिक तत्वामध्ये सृजन शक्तीचा संचार करवितात। मतलब ये भौतिक शक्ति है, स्पीकर माइक ये सब, लेकिन इसके अंदर जो डिजाइन आस्पेक्ट जो सबको जोड़ता है वो इसका आउटपुट प्रदान करता है। मतलब इसका रिजल्ट हमें तभी मिलता है, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो आत्मा है वो अगर नहीं तो नहीं चलेगा। वो एक कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं डिजाइन है, डिजाइन का कोई अस्तित्व होता नहीं है। डिजाइन को क्या बोलेंगे, डिजाइन मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो पर्पज है सारे को जोड़ के एक अच्छा सा फिनिश प्रोडक्ट तैयार करता है, वो डिजाइन है किस टाइम पे क्या होना है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होता है, वो भले उसको कुछ नहीं लगता है, बट वो सारे का कोऑर्डिनेशन वो देखते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ नसें होंगी, यहाँ कुछ होगा, आँख में कुछ होगा, जैसे माइंड से कुछ इशारा जाएगा, फिर मेरा उंगली हिलेगा, वो टाइप का। इसका कोई किधर अस्तित्व नहीं था, बाकी आत्मा भी हमारे पास, लेकिन जो डिजाइन है वो खाली हम सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ एक वर्कफ्लो है जो इसके अनुसार कार्य करता है। और ये सारे का जो जनक है वो हमारे अद्वैत आचार्य है, ये उन महाविष्णु जो है अपना, उनके वो अवतार है। तो ये हो गया हमारा तत्व। तत्व क्लियर, आई एम श्योर 100% नहीं समझा होगा, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा था समझने, तो जितना समझा आपको बताने का प्रयास किया। अभी हम लीला की तरफ बढ़ते रहे, ताकि हमें क्या होता है कि उसके पर्पस और उनका ग्रेटनेस जो है, महात्म्य जो है, वो पता चलता है, तभी हम रिस्पेक्ट कर सकें। जैसे भगवान कृष्ण की जो लीला है, सिर्फ अगर रासलीला जानेंगे और उनका पुराना इतिहास नहीं जानेंगे, उनका अवतरण का उद्देश्य क्या था, कहाँ अवतरण हुए थे, कैसे सभी ने प्रार्थना की थी, पृथ्वी के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे थे, ये सारा हमको पीछे जाना पड़ता है, इसीलिए उनका अवतरण हुआ। ये तत्व जानने की बात है। वृंदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तत्व का ही और एक आगे है, ये थोड़ा सिंपल है समझने को। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वह हरि से अलग नहीं है, इसीलिए उन्होंने उन्हें क्या कहते हैं, अद्वैत। द्वैत और अद्वैत, द्वैत मतलब डिफरेंट, अद्वैत मतलब वही है, हरि जो है वही है। और वो श्लोक में भी एक शब्द आ रहा था क्या, हरिना अद्वैतात्, हरिना मतलब यहां पर हरि मतलब भगवान हरि, अद्वैतात् हरि के अद्वैत रूप है, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना ये उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। इसके आगे भी हम उनके लीला अवतार के बारे में चर्चा करते हैं। उनके जो पिता जो थे उनका नाम था कुबेर पंडित और माता जी का नाम था नाभा देवी। कुबेर पंडित और नाभा देवी, इनको और भी एक थोड़ा सा एंगल आगे, इनको भगवान शिव और इनका भी कंबाइंड फॉर्म अवतार बोला जाता है, महाविष्णु और भगवान शिव का भी एक कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं। अभी देखो कैसा कोइंसिडेंस है, आप शास्त्रों में सुना होगा कुबेर पंडित, कुबेर जी और शिवजी मित्र थे, तो उस वक्त कुबेर जी ने शिवजी की प्रार्थना की कि मैं आपका रूप धारण कर सकता हूँ, या आप हमारे यहाँ पर अवतरित हो जाए हमारे कार्यालय में। तभी शिवजी ने उनको वचन दिया था कि अगले युग में मैं आपके घर में अवतार धारण करूं। तो वो भी एक उसको और एक स्त्री है, और ये कुबेर पंडित जो है वो भगवान नरसिंह देव के निस्सिम भक्त थे, उनकी माता जी है वो भी बहुत ही अच्छी डिवोटी थी। उनका जन्मस्थली जो है वो सिलहेट नाम का एक गांव है बांग्लादेश में,
वहाँ पर जन्म हुआ था एज पर भक्ति रत्नाकर। कोई दूसरे ग्रंथ में भी कुछ और उल्लेख है बट वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था, उसके पश्चात वो कहाँ पर आए, नवद्वीप में शांतिपुर नाम का जगह, शांतिपुर है ना, शांतिपुर, हरी बोल, शांतिपुर गए, शांतिपुर। तो वहां पर अद्वैत आचार्य का जो भी कार्यकलाप है, पूरा जन्मस्थल नहीं है लेकिन वो उनका प्राइमरी वहां पर रेसिडेंस था। फिर उनका दूसरा घर भी नवद्वीप में था और उनका जो अवतरण वो हुआ था 1434 में, 1434 में उनका अवतरण हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु का भी हुआ 1486। तो ये संख्या के अनुसार अद्वैत आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पहले 52 साल आए, मतलब जब उनका चैतन्य महाप्रभु जी का अपियरेंस हुआ तभी उनकी उम्र 52 ईयर्स थी। और पूरा उनका इस पृथ्वी पर जो अस्तित्व था वो 125 ईयर्स था। तो आप जान सकते थे 52 + 48 = 128, इतना पूरा उनका कार्यकलाप था। उसके बाद वो शांतिपुर में स्थानांतरित हुए उसके पश्चात क्या हुआ, उनके माता पिता का जब देहांत हुआ तब वो उनका तर्पण करने के लिए, पिंडदान जो बोलते हैं वो करने के लिए गया गए थे। गया से फिर वापसी के रास्ते पे वृंदावन गए और मिथिला में होते हुए फिर वापस शांतिपुर आए। मिथिला में उन्हें रघुपति आचार्य एक महान कवि थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई, उनसे उन्होंने कुछ ज्ञान ग्रहण किया। वो भी काफ़ी महान थे तो वो भी उनके एक शिक्षा गुरु हैं। लेकिन जब वो वापस आए शांतिपुर तभी माधवेंद्र पुरी जो है वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे और जब वो शांतिपुर में आए तब उनका जो भी डिवोशनल फोर्स था इसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। तो माधवेंद्र पुरी जो है ये अद्वैत आचार्य के गुरु थे और चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्र पुरी। तो इस रिश्ते से चैतन्य महाप्रभु के वो चाचा गुरु बोल सकते हैं हम, जैसे हमारे गुरु भाई बोलते हैं, गॉड फादर बोलते हैं, लेकिन ये गॉड फादर के भाई, इसलिए गुरु चाचा का रिश्ता था उनका। तो इसे हुआ क्या, भले चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार थे मगर उम्र में अद्वैत आचार्य ज्यादा थे, बड़े थे, तो उनको वो आदर सम्मान बोध करते थे। ये भी अभी वापस हम कथा में आते हैं। अद्वैत आचार्य वो पिताजी का दर्पण करके वापस आ गए, फिर उसके बाद वो कहाँ पर गए, वापस वृंदावन में गए। अब वृंदावन में एक वट है अद्वैत वट, वहां पर वो विश्राम कर रहे थे। प्राइमरीली वहां पर तीन वट बहुत फेमस है, वंशी वट, श्रृंगार वट और अद्वैत वट। वंशी वट जो है जहां पर भगवान कृष्ण रासलीला के लिए बांसुरी बजाते थे, इसलिए उसका नाम है वंशी वट। और दूसरा है श्रृंगार वट जहां पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार खुद किया था, इसलिए वो है श्रृंगार वट। और तीसरा है अद्वैत वट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थली है। और जब वहां पर ये विश्राम कर रहे थे, कौन विश्राम कर रहे थे, अद्वैत आचार्य, तभी वहां पर उनको साक्षात्कार हुआ। वहां पर गोविंद देव ने बोला कि यहां पर मैं उपस्थित हूं और आप मुझे यहां से बाहर निकाल के पूजा पाठ आरंभ कीजिए। ये महान भक्त थे, उनको ही ये क्या बोलते हैं अनुभव होता है,
भगवान के अस्तित्व का। अब ये गोविंद देव कौन थे? गोविंद देव भगवान का जो विग्रह है वो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रपौत्र जो थे, कौन थे, क्या नाम है उनका? मैं जस्ट चाहता हूँ आप सुन रहे हैं क्या, ये बहुत लोगों को पता होगा, वज्रनाभ। वज्रनाभ ने तीन मंदिरों का निर्माण किया था वृंदावन में, गोविंद देव, गोपीनाथ जी और मदन मोहन। उसमें से ये अद्वैत वट में मदन मोहन जी का वास था, और जब वो इनको प्रकट हुए अद्वैत आचार्य को, तभी उन्होंने उसका डिस्कवर किया, खोज के निकाला। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे आप सुनते होंगे कि यहाँ पर किसी के सपने में आया और फिर वो विग्रह वहाँ पे मिला। हमारे महालक्ष्मी की कथा आप सभी ने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। महालक्ष्मी का अवतरण भी ऐसे ही हुआ है, किसी पुजारी ने बोला कि समुद्र में मैं हूँ, आप वहाँ से निकालो। और ये सबका इतिहास क्या है, मुगलों ने जब हिंदू धर्म का नाश करना चाहा, तभी बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने विध्वंस किया। ये वज्रनाभ ने बनाने के बाद ये सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, और उसमें से एक एक फिर जो विग्रह है वो साक्षात्कार देता था अपने भक्तों को कि हम यहाँ पर हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। तभी अद्वैत आचार्य ने गोविंद अपना मदन मोहन का जो विग्रह है उसकी डिस्कवरी की और पूजा वगैरह शुरू किया। मगर उनका मन खींचता था नवद्वीप की तरफ, उनको नवद्वीप जाना था और पूरी जगत के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी थी। उनका कुछ इंटरनल, उनको इनर वॉइस आवाज दे रहा था कि तुमको उधर ही आके आगे करियर करना है। लेकिन अब यहाँ पर वो फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि मदन मोहन जी की सेवा में लग गए। तो फिर उन्होंने अपने मन की बात मदन मोहन जी से कही कि मैं ऐसा चाहता हूँ और मेरा फ्यूचर में ऐसा प्लान है, तो मैं भी क्या करूँ, समझ में नहीं आता। तब मदन मोहन जी बोले, आप कल जब स्नान करेंगे यमुना में और स्नान करने के बाद जब बाहर आएंगे, तब आपको एक ब्राह्मण दिखेंगे, उनको मेरी पूजा के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। फिर वहाँ से अद्वैत आचार्य नेक्स्ट डे जब सुबह स्नान किया यमुना में और बाहर निकले, तो वहाँ पर पुरुषोत्तम चौबे नाम के एक वहाँ के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, उनकी मुलाकात हो गई और उनको उन्होंने ये पास टाइम बताया कि ऐसा ऐसा है, अभी आपको ये ध्यान रखना होगा। और उसके बाद अद्वैत आचार्य जी ने मदन मोहन जी की जो भी विग्रह है वो पुरुषोत्तम चौबे जी सौंप दिया और फिर उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ आरंभ किया। उसके बाद फिर ये आ गए नवद्वीप। सनातन गोस्वामी उसी दौरान वहां पर यात्रा कर रहे थे वृंदावन, और वो सनातन गोस्वामी वहां पर पहुंच गए पुरुषोत्तम चौबे के घर। उन्होंने देखा वहां पर वो विग्रह के साथ पुरुषोत्तम चौबे के बच्चे खेल रहे, उसको खिला रहे, गिरा रहे, उठा रहे, उसके साथ खेल रहे, खाना खिला रहे। तो सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने पुरुषोत्तम चौबे जी को बोला कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, विग्रह जो है उसका एक गरिमा होता है, वो मेंटेन करना चाहिए, वो बच्चे को खेलने की चीज़ नहीं है। और फिर सनातन गोस्वामी उधर ही उस दिन रुके। फिर रात को मदन मोहन जी उनके सपने में आए और बोले, इतना अच्छा खासा मैं टाइम पास कर रहा था, बच्चे के साथ खेल रहा था और आपने पूरा बिगाड़ दिया, अभी मुझे एक जगह पे खड़ा रहना पड़ा, तो आपका जो शब्द है वो वापस ले लो। फिर सनातन गोस्वामी को थोड़ा बुरा लगा, मैं अभी ठीक है, विग्रह को तो भगवान को साक्षात कुछ बोल नहीं सकते। फिर पुरुषोत्तम चौधरी को बोले, ठीक है आप उनके साथ खेल सकते हैं, कोई बात नहीं चलेगा। ये फिर वापस लीला चालू होगी। नेक्स्ट डे वो इनके सपने में गए, इसके पुरुषोत्तम चौबे, वो बोले आप एक काम करो, मुझे सनातन गोस्वामी को सौंप दो, वो मेरे देखभाल अच्छे से करेंगे। फिर
उन्होंने नेक्स्ट डे उनको सौंप दिया। इसलिए अभी आप जब भी देखते हैं वृंदावन में सनातन गोस्वामी के नाम से वो जो है मंदिर है। एक तरफ से हम ये भी सोच सकते हैं अद्वैत वट है और ये नाम बोल रहा हूँ मदन मोहन जी को डीटी है, वो गौड़ी वैष्णव का जो है वो नींव है। पहला पॉइंट अद्वैत वट जो स्थली है, इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि गौड़ी वैष्णव जो हम जिस संप्रदाय में रहते हैं उसकी शुरुआत वृंदावन में अद्वैत वट के वहाँ पर हुई। तो आप कभी भी वृंदावन जाएंगे तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि वहाँ पर हम बहुत देह भाव से जो अपने दिल के भाव से वहाँ पर हम सभी भक्तों के लिए खुद के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। मुझे भी जब हम गए तभी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, बोले हम वृंदावन जाके आए, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं तब हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो क्या होता है उससे हमें क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा जो है वो दृढ़ होती है और इसका हमें आगे उचित लाभ मिलता है। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो ये है मदन मोहन जी और अद्वैत आचार्य का जो भी रिश्ता है उसके बारे में एक छोटी सी एक लीला। अभी हम दूसरी लीला की तरफ आते हैं। हम कहाँ पर आते हैं, अभी नवद्वीप में जहाँ पर इनका निवास है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जी वहाँ पर देख रहे हैं नवद्वीप के जो ज़्यादा करके वहाँ पर ब्राह्मण परिवार रहते थे और पूरे इंडिया के हिंदुस्तान के जितने भी विद्वान थे वो वहाँ पर उनसे जो विद्या है वो सीखने आते थे। बिकॉज जनरली एक समझा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो विद्वान होते हैं और पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर लोग जो आते थे वो विद्या सीखने आते थे। लेकिन उनका जो विद्या सिखाने का जो पर्पज़ था वो थोड़ा अलग था। वो देवताओं की पूजा सिखाते थे, कर्मकांड सिखाते थे, वो सारे सिखाते थे। तो एक्चुअल जो भक्ति योग है, हरि की भक्ति करना, वो वहाँ पर नहीं होता था। तो ये सारा चीज़ देख के अद्वैत आचार्य दुखी होते थे कि ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आप सब इंटेलिजेंट है लेकिन इसका इस्तेमाल सही जगह सही से रीति से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो क्योंकि आप सभी को क्या है, भक्ति सिखानी चाहिए। ये कर्मकांड, देवताओं की पूजा, ये सारा कुछ काम का नहीं है। और वो जो है वो खुद पढ़ाते थे भगवद गीता भागवतम, ये सब उनका अपने निजी लेवल पे चलता था। लेकिन जितना सपोर्ट मिल रहा है उतना सपोर्ट वहाँ पर नहीं मिलता था। तो फिर उन्होंने वो करुणा भाव में भगवान की प्रार्थना शुरू की कि आप खुद ही यहाँ पर आएंगे तभी इनका उद्धार होगा, आपका कोई एक्सटेंशन फॉर्म भी नहीं चलेगा, आप खुद आना चाहिए। ऐसा वो एक हक से भगवान को बताने लगे। और वहाँ पर जो जब पूजा करते थे रोज सुबह तभी बहुत जोर से पुकारते थे। और वो ये भी श्लोक वहाँ पर आता है चैतन्य चरितामृत में आदि लीला ये तीसरे अध्याय में 104 नंबर का श्लोक है, वो इस प्रकार है। तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्त्योभे भक्तवत्सलहा। तुलसी दल मात्रेन, सिर्फ तुलसी का जो दल है एक पत्ता है, तुलसी दल मात्रेन केवल तुलसी के पत्ते से जलस्य चुलुके नवा, तुलसी दल और चुलुके नवा, चुलुके न मतलब ये जो अंजलि होती है, क्या बोलते हैं मराठी में अंजलि बोलते हैं, इतना सा पानी और एक तुलसी दल। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मना, इतना अगर हम देंगे भगवान को तो भगवान विक्रीणीते खुद को बेच देते हैं। किसको बेच देंगे, भक्त्योपे भक्त को। आगे कहते हैं क्योंकि वो क्या है, भक्त वत्सल है। वत्सल, वत्स मतलब वत्स का अर्थ क्या होता है, छोटा बच्चा। वत्सला मतलब बच्चे को प्यार करने वाले। भगवान के लिए हम सब वत्स है, छोटे बच्चे हैं और भगवान का है भक्त वत्सल। तो ये इसी प्रकार उन्होंने भगवान की पूजा आरंभ की और इसको बोलते हैं वो हुंकार करने लगे। हुंकार
एकदम तीव्रता से वो प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने बहुत साल प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के लिए, और फिर भगवान जो है भक्तवत्सल है, विक्रीणी पे है, खुद को बेच देते हैं भक्तों को। फिर ऐसा उन्होंने तपस्या करने के बाद कौन सा साल था, 1486 में, तभी महाप्रभु का अवतरण हुआ। जब उनका अवतरण हुआ तभी ये हम वापस आते अद्वैत आचार्य के पास, उनकी दो पत्नी थी, एक थी, एक का नाम था श्रीदेवी और दूसरी थी क्या नाम, ठीक है सर, विल सी। तो वो जो है वो निमाय को देखने गई थी, बहुत सारे उपहार लेके गई, वो अच्छे फैमिली से थे, वो शांतिपुर से नवद्वीप प्रस्थान करके उनको देखने गई थी। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि भगवान के अवतार, तो लेकिन इन्होंने अपना मिशन चालू रखा, भगवद गीता और भागवतम का प्रवचन, और ये बहुत स्कॉलर थे। और जगन्नाथ मिश्रा जी जो है चैतन्य महाप्रभु के पिता, उन्होंने अपना पहला लड़का जो विश्वरूप है उनको यहाँ पर ट्यूशन के लिए भेजते थे। विश्वरूप कहाँ पर, अद्वैत आचार्य के वहाँ पर, पूरा संस्कृत श्लोक भक्ति योग ये सारा शिक्षा उनको देते थे। तो अद्वैत आचार्य जी ने देखा कि ये सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे विश्वरूप। जब अद्वैत आचार्य अपने विग्रह की पूजा करने जाते थे तब वो क्लास का चार्ज ले लेते थे विश्वरूप, क्योंकि अक्सर ये क्लास में आपने देखा होगा जो भी तेज बच्चा होता है वो अपने आप को अगर टीचर नहीं तो उनके अनुपस्थिति में खुद को टीचर बचा देते हैं, ताकि उसको कुछ पता होता है तो बता दे। तो विश्वरूप का इस प्रकार वो क्लास में बर्ताव था, लेकिन अद्वैत आचार्य खुद इतने इम्प्रेस हो गए थे कि वो पूजा करते करते वो यहाँ आके सुनते थे, ये अच्छा बात कर, इसको काफी कुछ पता है और ये भक्ति में बहुत आगे जा सकते। तो थोड़ा बच्चा बढ़ गया 10-12 साल का, तो घर में जगन्नाथ मिश्रा जी और जो ठाकुर सची देवी माता जी है उन्होंने फिर बोला भी लड़का बढ़ रहा है, अभी क्या होता, कौन सी बात होती है जनरली, उसकी शादी करानी चाहिए। लेकिन ये विश्वरूप जो है वो भक्ति में इतना लीन हुआ था कि उसको शादी में कोई रुचि नहीं थी, बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो उसको समझ में नहीं आ क्या करे, तो वहां से वो गायब हो गए, घर छोड़ के चले गए। साउथ इंडिया यात्रा करते 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 वो कहां पर आ गए, फाइनली वो पंढरपुर में आ गए, और पंढरपुर में वो श्रीरंगपुरी नाम के एक ब्राह्मण थे। ये उनको जब पता चला जो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा की है, तब उनको पता चला कि यहाँ पर विश्वरूप प्रभु जी आए थे, उन्होंने वहां पर दीक्षा ली, शंकरारण्य नाम मिला, और वहां पर उन्होंने खुद समाधिस्थ हो गए। तो ये विश्वरूप की महिमा है जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, जिनके टीचर कौन थे, अद्वैत आचार्य। हम घूम फिर के कहां पर आना चाहिए, अद्वैत आचार्य, क्योंकि आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये विश्वरूप की लीला हुई। और एक इसमें से थोड़ा मैं मिस कर गया, जब विश्वरूप वहां पर पढ़ता था तो पढ़ाई में इतना लीन होता था कि उसको घर जाने का फुर्सत नहीं होता था। तो फिर सच्ची माता उसका छोटा भाई निमाय उसको उसका डब्बा लेके भेजती थी, तो ये उसका डब्बा लेके आता था और इसके साथ बैठता था। अभी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो खुद भगवान। तब अद्वैत आचार्य इससे ज्यादा प्रभावित होने लगे, बोले ये तो था बड़ा भाई तो है ही, ये छोटा भी उससे तेज, और उनका जो भी गौरवर्ण कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो स्माइल था, इससे काफी प्रभावित हो गए। धीरे धीरे वो उससे ज्यादा इसके ऊपर आकर्षित हो गए,
कि ये लड़का भी बहुत तेज है और दोनों भाई बहुत तेज है। तो ये लीला चलती रही और ये विश्वरूप गायब हो। अभी इसका हुआ क्या, उनकी जो मदर सच्ची देवी, उनको लगा कि ये इतना अच्छा टीचर है लेकिन इसने मेरे एक बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया, वो ब्रह्मचारी हो गया। हम चाहते थे शादी करे, घर बसाए। अक्सर हर फैमिली में वही होता है कि मेरा बच्चा शादी करे, फिर हम पोते देखे, ये जो साइकिल से बाहर निकले। उसी प्रकार उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये अद्वैत आचार्य ने एक तो मेरा बिगाड़ दिया, अभी दूसरा भी गड़बड़ करेगा। ये चैतन्य महाप्रभु वहाँ जा रहा है, अभी ये भी अगर उसके प्रभावित हो जाएगा तो ये भी निकल जाएगा हाथ से। तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा कुछ पता चलने से पहले उनका शादी करवा ली। लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान थे और उन्होंने माता के मन की बात पढ़ ली कि ये क्या कर रही है, अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध कर रही है। अद्वैत आचार्य जो है महान है, साक्षात भगवान के रूप है, और उनके बारे में ऐसा कैसा सोचती है मेरी मदर। फिर उन्होंने अपने मदर को समझाया तो धीरे धीरे इनको भी समझ में आ गया, इसको ये मन की बात भी जानने लगा, ये मतलब कोई साधारण नहीं है। फिर वो शची माता को भी लगा कि अब क्या सोचे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान जन्म ले, लेकिन भगवान जन्म लेंगे तो क्या होता है ये आप सोच सकते हो। वो अगर हम क्या सोचते हैं उसको पता चलने लगा तो बहुत गड़बड़ हो जाए। इसलिए हमारा जब मृत्यु होता है तो क्या होता है, हमारी जो मेमोरी खत्म कर देते हैं सबसे पहले, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट न्यू फ्रॉम समवेयर। कितना दिन आप पैकेज कैरी करते रहेंगे, अपराधी भावना जागृत हो गई कि मैंने सच्ची में अपराध किया, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे वैष्णव परिवार में थे। तो वो सोचने लगे कि मैं इस जो भी पाप हुआ है उससे कैसे मुक्त हो जाऊं। वो भी अद्वैत आचार्य की सेवा करने लगे। और एक बार हुआ क्या, अद्वैत आचार्य सेवा करते करते मूर्छित हो गए, गिर पड़े नीचे। तब उसने चुपके से उनकी चरण धूल अपने सर पे लगा और उस प्रकार उस अपराध से थोड़ा कुछ हद तक उनको मुक्ति मिली। तो इसमें और एक कहने का तात्पर्य कि वैष्णव अपराध जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, उसे हमें सभी को बचना चाहिए। भगवान खुद का अपराध एक बार सहन कर लेते लेकिन उनके भक्तों का अपराध नहीं सहन करते। ये भी हम बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। हम हमारे बच्चे को किसी के बच्चे के साथ किसी ने कुछ किया तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, भले हमारे साथ किया तो ठीक है, लेकिन हमारा बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो ठीक नहीं लगता। हम सब भगवान के बच्चे, इसलिए वैष्णव अपराध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे हमें सबको बचना चाहिए। तो इस प्रकार सच्ची माता वो अपराध से ही आ गई और चैतन्य महाप्रभु उनका शादी भी करवा दिया। फिर भी वो अद्वैत आचार्य से बहुत प्रभावित थे और धीरे धीरे अद्वैत आचार्य जान गए ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये भगवान के अवतार है, और जो भी मैं अब तक प्रार्थना कर रहा था उसका हमें अभी फल मिल गया। लेकिन वो जब भी मिलते थे चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत आदर करते थे, जिससे इनको थोड़ा गिल्टी फील होता था कि ये भगवान है, भले मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ लेकिन भगवान अगर हमें आदर करे तो वो अच्छी बात नहीं। तो ये सोचने लगे इससे हम बाहर कैसे आए, क्योंकि मैं उनका सेवक होना चाहता हूँ और सेवक को जनरली कोई आदर देता नहीं। हम सब बोलते हैं ना दास अनुदास, हम क्या है, भक्तों के दास बने, उनके दासों के दास बने। अगर दास बनना है तो कुछ तो हमें मीनियल वर्क करना होगा, मीनियल रूप से सेवा करनी है। और महाप्रभु इनके उम्र के कारण उनके पास आने देते नहीं। लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को मैं कैसे उनसे सरेंडर हो जाऊँ, कैसे उनका दास बनूँ, कैसे उनकी सेवा कर सकूँ या सेवक बनूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का जब भी ये होता था प्रवचन तो या वो जो भी ये करते थे, वार्तालाप करते थे वहाँ के
नवदीप के भक्तों के साथ। तब भक्ति वैष्णविज्म इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते थे, लेकिन थोड़ा भी मायावादी कोई भाष्य करेगा तो उसको वो पीटते थे। क्या करते थे? सीधा पीटते थे। मायावाद तो आप सभी जानते हैं, मायावाद मतलब निराकार, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं वो, भगवान जो है निराकार ऐसे मानते हैं, उस रूप में उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो भी भक्ति करते हैं लेकिन निराकार रूप में भक्ति करते हैं। और जो भी निराकार है उनका प्रति महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता था। तो अद्वैत आचार्य ने सोच लिया कि मैं अभी ये काम करता हूँ, मायावादी बन जाता हूँ कुछ समय के लिए, ताकि मुझे उनके गुस्से का सामना करना पड़े। और फिर उन्होंने नवद्वीप में घूम घूम के मायावाद का जो है वो प्रचार चालू किया। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, एक बार उनके घर पे प्रवचन चल रहे, पूरा मायावाद बता रहे, वो डंडा लेके सीधा उनको पीटने लगे, उनकी पत्नी के सामने ही पीटने लगे। तो ये क्या हो रहा है? सीता माता बोले मर जाएंगे वो, छोड़ दो उनको। तब फिर अद्वैत आचार्य ने उनके शरण छू लिए चैतन्य महाप्रभु के, और यही तो मैं चाहता था, आज तक मैं ये क्यों कर रहा था कि आपका दास बनूं, आपका कुछ गुस्से का सामना करूं, क्योंकि आप मुझे जो ट्रीट कर रहे थे वो आदर जो रहे थे उसकी आवश्यकता नहीं है, भगवान हमें आदर दे तो उनके लिए अच्छा नहीं, उनसे हम सेवक ही बनना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली। तो ये है अद्वैत आचार्य, इनसे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते। तो मैं शॉर्ट में जितना भी हो सकता है बताने का कोशिश किया, पता नहीं इसमें से कुछ रह गया होगा तो ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है हम बहुत कुछ सोचते हैं सब कुछ नहीं बता पाते हैं, बट मेरे हिसाब से जितना भी उनको समझना है, उनसे कुछ सीखना है, जितना हमें सीखना चाहिए जितना हो सके। तो थोड़ा हम वापस एक रिकैप करते हैं, समरी हम इधर से शुरू हुए थे, चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य का तत्व और लीला। तत्व क्या है? महाविष्णु के अवतार है, सृष्टि का सृजन करना उनका कार्य है। और वो क्या है? हरि से कोई अलग, हरि ना अद्वैत, वो शब्द आया वहाँ, क्योंकि साक्षात हरि का रूप है और ये सृष्टि के सृजन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर माया के हमने दो प्रकार देखे, किस प्रकार वो कार्य करती है और उसमें अपना अपना रोल किस प्रकार होता है, ये हो गया तत्व लीला। और उसके बाद उनकी जो लीला है, फिर लीला में हमने देखा अद्वैत आचार्य, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका कार्य का जो भी क्षेत्र था, जैसे शांतिपुर, नवद्वीप, उसके बाद वृंदावन, ये सारा क्षेत्र था। उसके बाद उनके पेरेंट्स का डेथ होने के बाद वो गया गए वहाँ से वृंदावन, फिर रघुपति आचार्य का आशीर्वाद लेके वापस आए, फिर उन्होंने दीक्षा किससे ली? माधवेंद्रपुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु। तो इस प्रकार वो संप्रदाय में है। उसके पश्चात वो कहाँ गए? वृंदावन। और कैसे उन्होंने मदन मोहन विग्रह का कैसे उनको साक्षात्कार हुआ, उसको प्रस्तापित किया और उनकी कृपा प्राप्त की। उसके बाद वो वापस नवद्वीप चले गए, वहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के लिए उन्होंने प्रार्थना शुरू की और उसके बाद उनका अवतरण हुआ। फिर वो टीचर, जैसे रिनाउंड टीचर थे वो एरिया में, और विश्वरूप को भी उन्होंने शिक्षा दी थी, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने शिक्षा दी। जब तक उनको पता नहीं था कि ये भगवान क्या अवतार है, तब तक वो उनके शिक्षक थे। उसके बाद विश्वरूप साउथ इंडिया यात्रा, उन्होंने वो शंकरारण्य दीक्षा लेके अंतर्धान हो गए पंडरपुर धाम। फिर चैतन्य महाप्रभु का रियलाइजेशन हुआ अद्वैत आचार्य, और फिर उन्होंने किस प्रकार उन
उनका जो भी थी हरिनाम का उसमें सहायता की और उनका दास बनने के लिए भी उन्होंने ट्रिक की। वो ट्रिक क्या थी? मायावाद का प्रशिक्षण दिया और जो जिसका फल वो जिनकी जिस फल की उम्मीद उनको थी वो फल उनको मिल गया। चैतन्य महाप्रभु से लाठी खानी पड़ी उनको, जो वो खाना चाहते थे। आमतौर पर आप देखते हैं सर्वंट को पीटा जाता है, तो वो भी उन्होंने हासिल किया और उसी प्रकार महाप्रभु का उन्होंने आशीर्वाद किया। तो ऐसे ही चैतन्य अद्वैत आचार्य जो है वो हमारा जो भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उसकी जो नींव है एक प्रकार से उन्होंने रखी थी वो चैतन्य महाप्रभु के भी पहले से। और सबसे महत्वपूर्ण अद्वैत वट जो स्थली है वृंदावन में, जहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गौड़ीय वैष्णव की संप्रदाय की स्थापना वहाँ पर ही हुई, ऐसा हम समझ सकते हैं। भले रिकॉर्ड में चैतन्य महाप्रभु वो सब है, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। और ये जो वृक्ष है वो वृंदावन का पहला वृक्ष है, वो विग्रह भी पहला ही है आफ्टर वज्रना। इसलिए गौड़ी वैष्णव जो है वो बहुत ही महान संप्रदाय है। और वृंदावन आप आगे ये भी जानते होंगे कि उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने दूसरे पार्षद को भेज के फिर वो राधा कुंड, श्याम कुंड, सारे दूसरे मंदिर का निर्माण ये भी इसी संप्रदाय ने किया। अद्वैत आचार्य के आगे जो कंटिन्यू रहा मिशन, उसके तहत ये हुआ। तो ये ऐसे अद्वैत आचार्य की महिमा है। आप सभी ने बहुत ही शांतिपूर्ण श्रवण किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण श्री अद्वैत आचार्य की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। कुछ गलती हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ बताने का प्रयास किया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप कृपया पूछ सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट है दामोदर सका प्रभु है, जो कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं आता है तो प्रभु जी है। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। हरे कृष्ण। माला है सभी के पास? हर किसी को मिला माला? जाप शुरू करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की हरिणाम प्रभु की हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Thank you.
हरे राम हरे राम 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 हरे
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। तिरुपति धाम की जय।
उडुपी धाम की जय, पंढरपुर धाम की जय, द्वारका धाम की जय, गंगा देवी यमुना देवी की जय, भक्ति देवी तुलसी देवी की जय, पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि, समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड लॉर्ड, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड लॉर्ड, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड लॉर्ड, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्पपुण्यव्रतं राजन्, स्वल्पपुण्यव्रतं राजन्, विश्वासोनेव जायते, विश्वासोनेव जायते, शरीरा अविद्याजात्, शरीरा अविद्याजात्, जडेन्द्रियता हे का, जडेन्द्रियता हे का, जीवे फैले विषय सागरे, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवा अति, तार मध्ये जीवा अति, लोभोमय सुदुर्मति, लोभोमय सुदुर्मति, ताकि जेता कठिन संसारे, ताकि जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा दयामय, करी बारे जीवा जाय, करी बारे जीवा जाय, स्वप्रसादन दिलो भाय, स्वप्रसादन दिलो भाय, सेयनामृत पाओ, सेयनामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमेडा को श्री चैतन्य निताय, प्रेमेडा को श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवत महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी प्रसाद ले सकते हैं, एक मिनट का समय मैं लेता हूँ। ये अद्वैत आचार्य की